तो गुड मॉर्निंग गाइस, और एक और नया दिन, और अब हम शुरू करने वाले काम इस सिविक का। जी हाँ, ये जो ब्लैक कलर वाली आप होंडा सिविक देख रहे हो, इसको आज काटने वाले हैं। आपको गाड़ी की कुछ कंडीशंस दिखाता हूँ एक लुक में। रूफ वगैरह पे सिर्फ धूल जमी हुई है, गाड़ी कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कोई डेंट वगैरह भी नहीं है, मतलब गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। वाइपर्स ओके हैं। इंटीरियर दिखाता हूँ। ये जो सीट्स हैं ना, इन्हीं सीट्स को काट के पिछली बार जैसी सीट कस्टमाइज़ करेंगे। खोलने का काम कर रहे थे, डैशबोर्ड में से काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। ठीक है, पीछे की सीट्स लगी हुई है अभी। रियर डिफॉगर है। सेडान क्लास गाड़ी में वाइपर नहीं आते हैं, पीछे सिर्फ डिफॉगर ही आता है। ये काफ़ी दिन से यहाँ खड़ी है, लेकिन गाड़ी जो है वो चालू है, बंद कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी रूफ जो है वो कट करने का काम, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए जो मोल्ड्स बनाए हैं वो। तो ये सिविक के पीछे वाला बम्पर, ये आगे वाला बम्पर, ये साइड का फेंडर है। मतलब साइड के फेंडर में मैं आपको बताऊँ तो ये फ्रंट व्हील वाला पोर्शन है, और ये जो आप देख रहे हो वी शेप में, ये हेडलाइट के असेंबली वाला जो सेक्शन है जो खाली छूटा हुआ है। ये दरवाज़ा है, और ये भी फाइबर का है, लेकिन चिंता मत कीजिए, दरवाज़ा फाइबर का नहीं रहने वाला है, ये मोल्ड है सिर्फ। इस पे मेटल कवरिंग करके और इसके डायमेंशन के हिसाब से दरवाज़ा जो है मेटल का बनाएंगे। जहाँ जहाँ से गाड़ी काटी है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें जो है पूरा ऊपर वाला जो रूफ़ का सेक्शन है ना, उसे हटाना है। गाड़ी के दो टुकड़े नहीं करने हैं, इसलिए हमने हर जगह से नहीं काटा। जहाँ जहाँ से ज़रूरत थी रूफ़ वाला सेक्शन हटाने के लिए, सिर्फ उसी जगह से हमने गाड़ी को जो है काटा है। तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। बाकी ये पीछे डिक्की वाला सेक्शन भी हमने नीचे जो बेस है उस पे से काटा है, ताकि ऊपर की रूफ़ उठाकर और एज इट इज़ अलग रख दी जाए। मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा रूफ़ वाला भी पूरा हिस्सा, जो इससे अलग होगा वो वाला। बने रहिए वीडियो में, कहीं मत जाइए। गाइज़ ये देख सकते हो, जो छत है वो काट के और साइड में हमने रख दी है। ये पूरी आगे का दरवाज़ा वो पड़ा है, ये पीछे से, मतलब अभी खोल के बताता हूँ मैं इस दरवाजे को। एक ये दरवाज़ा यहाँ रखा है। कार तैयार है, बिल्कुल एकदम स्टॉक लग्जरी गाड़ी है। जैसे आप ये दरवाज़ा खोलोगे, कई बार क्या होता है कि जब गाड़ी या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, तो काफ़ी सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन वो मिस हो जाते हैं, वो बना नहीं पाते हैं, क्योंकि कौन कहाँ पर है और वीडियो बन पा रहा है कि नहीं। सब लोग वीडियोस के लिए इतना कोई पैशनेट नहीं होते जैसे कि हम लोग होते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है वो मिसिंग है मेरे पास भी। तो जहाँ और जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसी के बेस पर मैं ये वीडियो आप लोगों को सर्व कर रहा हूँ।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए वाले चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कार रिव्यूज़ के वीडियोस चैनल पर काफ़ी जल्दी आने वाले हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और शुरू करते हैं एक नई जर्नी कार रिव्यूज़ के साथ, और ये वाला चैनल कंटिन्यू ही रहेगा। उधर से आने वाले सारे पैसों को हम नए प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए जो है वो लगाएंगे, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इन फ्यूचर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो देख के जाइए, और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। Let's get to a bit.